तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजन ब्लॉग 0786। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए। तो आज दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो अभी हमारी बाइक में क्या है, फ्यूल थोड़ा कम है, तो कचहरी में हम फ्यूल वगैरह डलवाएँगे और चलते हैं दिल्ली में। हमें कुछ काम है, थोड़ा सा पर्सनल काम है, और एक दो देख लेंगे दिल्ली में, घूम फिर लेंगे। तो मेरे साथ और चलते हैं थोड़ी सी रफ्तार में, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत ज़्यादा दूर है, तो साथ साथ में चलते रहिए। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि कोई हिसाब नहीं है भाई, हालत ख़राब हो गई है। वैसे भी हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना यहाँ पे। पता है डिजिटल है। सो भी गाइस, सीन ऐसा है कि हमारी गाड़ी हो चुकी है फुल, तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो अभी निकलते हैं, सो देखते हैं पावर वाले तेल में और बिना पावर वाले तेल में कितना अंतर है। आपको क्या लगता है, पावर वाला देता होगा माइलेज या नहीं देता होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, बताना। और पावर वाला ठीक रहता है या दूसरा ठीक रहता है। लेफ्ट टर्न की ओर, चलो 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 चलो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं ऊना हाईवे में। तो ऊना यहाँ से है 25 किलोमीटर दूर, तो अभी हम थोड़ी सी भगाते हैं इसको। सो लेट्स गो, मेरे साथ चलो। तो अभी हाँ, ऊना 25 किलोमीटर दूर है, तो अभी हमें नंगल से आगे रुकना है। ये रहा ऊना का बस स्टैंड, काफ़ी बड़ा है। तो पिछली बार हम आए थे, बट रात में आए थे, तो शायद हमें नहीं दिखा। सो अभी चलते हैं।
अभी वेट करना पड़ेगा हमें ट्रेन का, और दिखाते हैं आपको कितनी स्पीड से जाती है गाड़ी। या नहीं गई तो नहीं है अभी। ओ देख बंदों को कैसे निकाल रहे हैं। हम तो नहीं निकाल लेंगे भैया। बंदे ने देख एक कैसे लिखा, उल्टा एक लिखा है। वो लिखा है उल्टा एक लिखा है, एक ऐसे लिखा है जिसने भी लिखा है। भैया हिंदी पे ध्यान दो, आपकी हिंदी बहुत कमज़ोर है। ये खिड़की नहीं लगी है, खिड़की के साथ में लिखा है गाड़ी निकलने के, एक कैसे लिखा है देख एक। और ये दूसरी है बिजली से चलने वाली। अच्छा गाड़ी, ओ भाई साहब सीन है। थी चाय चुदा चलाइए। अरे चाय चोई बनती है? अच्छा कोई नहीं, दो कप कर दो चाय ना। सो गाइस निकलते हैं अब, खाना पीना तो हो गया हमारा। सो अभी फिर अपनी धन्नों को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। मत करो यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, छोटी सी जान है।
बची ही है ना। यार चलो लड़ाई चल दे, कोई दिक्कत नहीं है। नंगल डैम सो अभी हम पहुंच चुके हैं नंगल डैम तो नहीं है ये, नहरें जाती है यहाँ से। सो आप देख सकते हैं भाई, गूगल मैप ने हमें फंसा दिया है। भैया यहाँ से चंडीगढ़ को सीधा कहाँ से है? चंडीगढ़ को सीधा या हमें गूगल मैप ने बताया और हम गूगल मैप के सारे इधर आ गए। तो भाई यहाँ से पीछे चले जाओ। हाँ हाईवे जो है जो वहाँ में हाईवे था ना, हाँ से आगे चले जाना, जहाँ से हाईवे आएगा ना उससे राइट हो जाना। हाँ राइट से आगे एक चौक आएगा, हाँ राइट हो जाना, ठीक सीधा चंडीगढ़ को जाता है। ओके 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 ब्रो, थैंक यू। मर्सिडीज, हाँ यार भाई साहब। सो अभी हम निकल चुके हैं सीधा चंडीगढ़ के लिए। तो ये रास्ता जो है सीधा चंडीगढ़ जाता है। तो पहले हमें गूगल भाई ने हमें बुला दिया था, हम कहीं वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमने एक भाई से पूछा कि भैया हमने चंडीगढ़ जाना, तो वो बोलता है कि इधर कहाँ पहुँच गए आप। फिर उसने हमें लोकेशन बताई। तो यार कभी भी गूगल मैप के भरोसे मत रहना आप, क्योंकि मैंने देखा है हमारे साथ पहले भी बहुत बार हुआ है, गूगल मैप ने हमें चकमा दे दिया एक बार फिर। ओहो ट्रक वाले भैया हमें जाने दो। सो अभी हमें चंडीगढ़ से भी आगे जाना है, देरा बस्ती जगह का नाम है, वहां पे रुकना है आज हमें। तो मेरा एक फ्रेंड वहीं पे वेट कर रहा है हमारी। यार क्या मस्त हाईवे है, हमने हिमाचल में बाइक चलाई है तो हमें वहाँ पे कोई ऐसा मतलब सुपर वाला हाईवे नहीं है। अभी बन रहा है वहाँ पे भी 4 लेन, तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है हमें ड्राइव करने का। ऐसा ही रहा है तो अभी हमें जाने दिया, हमें बंदे ने दे दी लोकेशन। भैया थैंक यू हमें लोकेशन देने के लिए। यार पता
सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ पे तो अभी फोटो वगैरह करते हैं क्लिक एक दो। ओ भाई साहब